इन दिनों बाबा की नगरी उज्जैन में फिल्मी सितारे, राजनीतिक हस्तियां और क्रिकेट जगत के सितारों का तांता लगा हुआ है। रविवार को जहां देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत कुमार डोभाल बाबा महाकाल की भक्ति में लीन दिखे, तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंची। एक्ट्रेस ने गर्भगृह में पूरे विधि विधान के साथ महाकाल की पूजा की। इसके बाद उन्होंने नंदी हॉल में बैठकर अभिषेक भी करवाया। इस दौरान महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से रवीना टंडन का स्वागत किया गया। जानकारी के मुताबिक रवीना टंडन के आने की खबर मंदिर प्रशासन को पहले ही मिल गई थी, जिसकी वजह से मंदिर में दर्शन को लेकर खास इंतजाम किए गए थे। इस मौके पर एक्ट्रेस ने महाकाल लोक की जानकारी भी ली। इसके अलावा महाकालेश्वर मंदिर समिति की ओर से किए जा रहे विस्तारीकरण को खूब सराहा। इस दौरान रवीना ने मीडिया से दूरी बनाए रखी। आपको बता दें, इससे पहले अजीत कुमार डोभाल भी बाबा महाकाल के दर्शन के लिए पहुंचे थे। यहां सुबह होने वाली भस्म आरती में डोभाल ने भगवान शिव के दर्शन किए। उन्होंने नंदी हॉल से घंटों बाबा महाकाल की भस्म आरती को निहारा। इसके बाद डोभाल ने गर्भगृह में पहुंचकर ओम नमः शिवाय के जाप किए। NSA अजीत डोभाल ने बड़ी ही सादगी से बाबा महाकाल के दर्शन किए। डोभाल ने बाबा महाकाल के दर्शन के साथ ही नंदी की भी पूजा की। डोभाल ने नंदी के कानों में कुछ कहकर विशेष मंगल कामना की भी मांगी। उन्होंने बाबा महाकाल का जलाभिषेक और रुद्राभिषेक कर उनका आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद डोभाल महाकाल लोक हरसिद्धि और काल भैरव मंदिर भी दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान रविवार को महाकाल लोक परिसर की सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त रही। NSA अजीत डोभाल को सरकार की तरफ से जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। इसके बाद भी उज्जैन पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के बेहद खास इंतजाम किए थे। Thank you.